जनता पार्टी के उम्मीदवार हेमा मालिनी आगे नजर आ रही है और मार्जिन भी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीत हासिल हो रही है बल्कि 2,34,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2,34,000 वोटों से वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। हेमा मालिनी 2,34,000 वोटों से आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश से जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ खास खबर निकलकर सामने नहीं आई, 80 के 80 का नारा देने वाली बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई काफी नजर आई। 2019 के आंकड़े से भी बेहद पीछे भारतीय जनता पार्टी दिखाई दी, लेकिन ऐसे वक्त में भी मथुरा में कमल खिलाने का काम हेमा मालिनी ने किया है और हेमा मालिनी यहां 2,34,000 वोटों से आगे हैं। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी, जो कि अब क्योंकि अंतर करीब 2.5 लाख वोटर का हो गया है, तो ऐसा ये कहा जा सकता है कि यहां से हेमा मालिनी का जीतना भी करीब करीब तय है। तो लगातार एक के बाद एक अब क्योंकि ये रुझान नतीजों में भी तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब तक 1,37,000 वोटों से आगे मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं। यहां से उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कन्हैया कुमार से था। कन्हैया जो कि एनसीयूआई के अध्यक्ष भी हैं और उनसे यह मुकाबला, लेकिन यहां से मनोज तिवारी एक बार फिर से 1,37,000 वोटों से आगे जाते हुए दिख रहे हैं।